हेलो भैया जी, दो कॉफी, ब्लैक कॉफी। दो ब्लैक कॉफी। अच्छा, आप कहाँ से हो? केरला। आप चाय की दुकान करते हो खाली? आप बस चाय बेचते हो? अगर आपको ना ये ऊपर मून चंद्रमा पता है ना मून, आप मून में भी जाके चाय की दुकान खोलो। क्योंकि मलवारी लोग कहीं भी चाय की दुकान खोल लेता है भाई। जस्ट जोकिंग, सीरियसली जोक कर रहा हूँ बस। नए ब्लॉग पे स्वागत है। आज का वीडियो का स्टार्टिंग होता है यहाँ से, अपने जोन से। और मैं अपने जोन पे आके लॉगिन भी कर लिया हूँ, लॉगिन हो गया है मेरा, काम क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे कोई राइडर नहीं है, बस अपने दोस्त को इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि हमारे रिश्तेदार नहीं, दूर का दोस्त है। यहाँ पे रिश्तेदार बना के बैठा हूँ, तो दोस्त को इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जितने भी राइडर हैं ना पुराने, अपने दो साल पुराने, मतलब दो साल के करियर में जितने भी दोस्त बनाए हुए हैं, सारे इकट्ठे होते हैं यहीं पर, इकट्ठे होते हैं यहीं पे। और साथ में चाय का चुस्की लेना और गप्पे लगाना, उसके बाद फिर अपने अपने ड्यूटी पे लगना, कोई इधर कोई उधर कोई किधर, तो पता ही नहीं चलता है। तो आज का ब्लॉग का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। और मेरे वाइफ कल मुझे बोल रही थी कि हमें भी कभी कभार लॉन्ग ड्राइव करवा दीजिए। तो लॉन्ग ड्राइव कहाँ करवा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज सुबह सुबह 5:30 बजे मामी का फ़ोन आया। ये था कि मामी बोल रही थी कि भंजा यार लाइन में तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो वो बारिश देखने के लिए आप नहीं आओगे, ऐसा पूछ रही थी वो। तो फिर मैं सोचा कि चलो आज लॉन्ग ड्राइव में एक ब्लॉग भी बन जाए और अपने वाइफ को भी घुमा दूँ कहीं लंबी दूर टूर। यहाँ का जो रेगिस्तान और पहाड़ों का व्यूज वो दिखा दूँ, तो फिर मेरा ब्लॉग भी कम्प्लीट हो जाएगा और वाइफ का भी थोड़ा मन बहल जाएगा। वाइफ ने जब रिक्वायरमेंट करी ली है तो फिर करना होगा भाई। तो नेक्स्ट वीक का प्लानिंग है, नेक्स्ट वीक जाएंगे ज़रूर। स्ट्रीट में जब से ये टुक टुके आके बैठा है ना, तब से यहाँ पे ये जो बिरयानी, जो पांदिरा वाला बिरयानी मिल रहा था, उसका मार्केट डाउन हो गया। और टुक टुके में अच्छा टेस्ट मिल जाते हैं और चीपेस्ट प्राइस में भी यहाँ मिल जाते हैं। और वी एक्सेप्ट द वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड और मेरा वहाँ पर बंदा आ गया और चाय पिला के मुझे, चाय पी के निकलेंगे। और दो दोस्त वहाँ पर है खड़ा, सारे एकजुट हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे इधर उधर। हेलो भैया जी, दो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। दो ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, आप कहाँ से हो? आप चाय की दुकान करते हो खाली? आप बस चाय बेचते हो? अगर आपको ना ये ऊपर मून चंद्रमा पता है ना मून, आप मून में भी जाके चाय की दुकान खोलो। क्योंकि मलवारी लोग कहीं भी चाय की दुकान खोल लेता है भाई। जस्ट जोकिंग, सीरियसली जोक कर रहा हूँ बस। यार पेट्रोल खत्म हो गया यार, इसके काटा ख़राब हो गया, इसके वजह से पेट्रोल ना पता ही नहीं चला। इसमें जो दिखा रहा था यार, रिजर्व का भी ऑप्शन नहीं आया, अचानक से पेट्रोल ख़त्म, शायद हुआ होगा रिजर्व यार। कल सर्विस करवाया था, पेट्रोल वेट्रोल निकाला होगा। अभी यहाँ पहुँच गया यहाँ पे फ्री जोन पे। ट्रक ड्राइवर पूछ रहा है, ब्लॉग वाले। ओह माय गॉड, पेट्रोल स्टेशन घूमना होगा मुझे। करे कि नज़दीक था पेट्रोल पम्प यार, पेट्रोल भरवा लिया 20 दिराम का। और यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता है, 2 पैसे सस्ता है यहाँ पे पेट्रोल, क्योंकि ये फ्री जोन है, जबलाली का फ्री जोन है। और जहाँ पे मेरा पेट्रोल ख़त्म हुआ था, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में था ये पेट्रोल पम्प, तो शेख जैद हाईवे रोड, शेख जैद नहीं, शेख बिन जैद हाईवे रोड पे। और यहाँ से आगे थोड़ा आगे जाऊँगा, आ जाएगा यहाँ से जेबलाली का नया एयरपोर्ट। और तलबात के एप्लीकेशन में ना फ्री जोन पे तो ये नॉट मूविंग का ऑप्शन आ जाता, आउट ऑफ जोन का आ जाता, जो कि पहले आता था, अभी भी आ रहा है ना आउट ऑफ जोन का। एक बार तो आउट ऑफ जोन का मैसेज बच चुका है। अब अगर दोबारा से बजे, अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूँ तो दिन तक ब्रेक दे सकता है, मैं क्या करें, करना पड़ता है, जाना पड़ता है। और यहाँ से मुझे निकलना होगा नज़दीक, क्या है यार, डिस्कवरी गार्डन या DIP, ये दो जगह में चूज करना होगा। तो मैं चूज करूँगा DIP, चूज करूँगा DIP जाऊँगा। काफ़ी दिन हो गया विवा मार्ट नहीं गए हुए, विवा मार्ट में एक दोस्त है, दोस्त को मिलते हैं। नहीं यार, क्लस्टर वाई पे था मैं, RTA वाला है या CID है, और कुछ यूनिफॉर्म नहीं, अरबिक तो अरबिक ही था, बस अरबिक में बात करते, इंग्लिश थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहा था। और उसके पास डिवाइस भी था, और बुलकिया चेक कर रहा था, ID चेक कर रहा था, लाइसेंस चेक कर रहा था, और यूनिफॉर्म चेक कर रहा था, सारा सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मुलकिया का कॉपी था बस, फ़ोटो था, ओरिजिनल नहीं था, एक्सपायर हो गया था, पता नहीं फ़ोटो वोटो खींच को तो लेकर गया है,
अगर फाइन लगाएगा तो फिर मेरा वाट लगने वाला यार। अगर फाइन लगा दिया तो फिर समझ लो कि इस महीने का सैलरी आएगा नहीं, क्योंकि अभी सैलरी आने का टाइम है। अब 15, 16, 18, 20 तक सैलरी दे देते हैं, लेकिन अगर आज फाइन आ जाए, अभी तक चेक किया दुबई आरटीए पुलिस वाला एप्लीकेशन में चेक कराऊँ तो फाइन नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा है तो फिर अच्छा है, मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर फाइन आ गया तो फिर समझ लो कि यार अब आने वाले सैलरी में मेरा सैलरी आएगा ही नहीं, क्योंकि काम कम किया हो ना। फाइन लाजिम, अगर फाइन देगा तो 500 से ऊपर ही आएगा फाइन, क्योंकि गलत जगह पे मैंने पार्किंग भी लगाया था। टेंशन हो रहा है यार। टोटल आज मैंने काम किया 15 डिलीवरी, वो भी 13 घंटे में 15 डिलीवरी। और लास्ट ऑर्डर बहुत दूर लेके आ गया, मैं यहाँ पे बैठा था, ये स्प्रिंग सूक पे बैठा था, स्प्रिंग सूक से सीधा डाल दे डिस्कवरी गार्डन फुरजान की तरफ। तो अभी फुरजान साइड में हूँ, और यहाँ से मुझे अपने रूम पहुँचने में करीब करीब 35-40 मिनट लग सकता है, क्योंकि आज ना रोड ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, जाम ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक है यार। आज एक घंटा तो लगेगा ही, लेकिन थका दिया तो बहुत थकाया। काम कम है और ड्यूटी ज़्यादा है, ड्यूटी के हिसाब में डिलीवरी बहुत कम हो रहा है। तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। शुक्रिया वॉच करने के लिए।